गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। आप जान रहे हैं कि केमिकल काइनेटिक्स का कंसेक्यूटिव लेक्चर चल रहा है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल भी दिए थे और उसके डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ बताया था और हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर मैंने आपके सामने रखा था और उसके ग्राफ भी आपको समझाया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग अटैक करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किसको बोला जाता है। सबसे पहले क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसमें क्या होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होंगे। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे जीरो ऑर्डर में, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो जीरो ऑर्डर के जगह पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ध्यान रखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो कहता है, द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड्स करेगा, मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। लेकिन हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को जो पावर रहेगा क्या रहेगा, वन रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या होगा, रिएक्टेंट्स के जो पावर होंगे, एक्सपोनेंट होगा, क्या होगा, वन होगा। जैसे कि हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। सपोज यहाँ पे हम कुछ लिखें, आपका रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट हो गया, तो हम लोग लिखेंगे इसका रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर वन। ठीक है, तो फर्स्ट पावर ऑफ मतलब कि कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सपोनेंट में क्या होगा, वन होगा। पावर क्या होगा इसका, वन होगा। किसका, कंसंट्रेशन का पावर वन होगा, रिएक्टेंट का पावर वन होगा। ऐसे क्लास ऑफ रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में क्या होते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो कैलकुलेट होता है, हो सकता है एलिमेंट्री रिएक्शंस भी निकल जाए फर्स्ट ऑर्डर, हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के जो स्लो स्टेप होंगे उससे भी फर्स्ट ऑर्डर आपका कैलकुलेट होगा। तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस पर ध्यान देंगे आप। कि पहला एग्जांपल है कि N2O2 का जो एग्जांपल है N2O5, ठीक है, यहाँ पे हो गया 4NO2 और O2, 5 2 10 4 2, ये हो गया पहला एग्जांपल ऑफ, सारा एग्जांपल हम किसका दे रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जो कि आपको कॉपी में नोट करनी चाहिए हमारे साथ। ठीक है, हमारे साथ लिखने के लिए आप बैठ जाइए और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशंस और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपको पूरी तरह से समझ में आने वाला है। आपको पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाइए। ठीक है, तो पहला है कि आपका पहला एग्जांपल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसलिए होता क्या है कि कभी कभी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लिखिएगा तब ना कि स्लो स्टेप से आएगा फर्स्ट ऑर्डर, तो इससे अच्छा है कि आप इस कुछ रिएक्शंस को आप दिमाग में रखें कि कौन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन जीरो ऑर्डर है। ठीक है, उतना टाइम रहता नहीं है एग्जाम में कि मैकेनिज्म लिख के हम काम करें। सबसे अच्छा हमारे पास ये तरीका होता है कि हम उस चीज़ को मेमोराइज कर लें, अपने दिमाग में सेट कर लें कि हाँ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इज इट क्लियर? दूसरा है कि अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन, दो नाइट्रोजन लिख दीजिएगा, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, मतलब क्या, 2H2O। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कि पहले दो रिएक्शंस हो गया आपका। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन से हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लें कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर आपको पढ़ाए थे, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी आ जाएगा, जैसे CH3COCOC2H5 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कीजिए, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और एल्कोहल बनेगा, यहाँ पे इथाइल एल्कोहल मिलने वाला है आपको। ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जो हम लोग सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में देखे थे, कुछ स्पेशल एग्जांपल जो हम देखे थे। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, ये मिलेगा। ठीक है, 2 2 4, तो ये हो गया। अब फिफ्थ में होगा, जितना भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है, जो हम लास्ट वाला लिखने वाले उस पर खास से ध्यान दीजिएगा,
ऑल रेडियो एक्टिव डीके, जो भी होगा ऑल रेडियो एक्टिव जो रिएक्शंस होगा डीके होगा, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, ये सारा रिएक्शन आपको एकदम एट ए टाइम याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। कोई आपसे कभी भी पूछ ले तो आप इसके बारे में इतना पांच एग्जांपल आप किसी के सामने रख सको। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। उससे हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पहले बता कर रखें आपको कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं क्या, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हम लोग उससे निकाल पाते हैं। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हम इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम कहने करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सबसे पहला हमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लिखना है। सबसे पहले आप रेट एक्सप्रेशन बना लीजिए फर्स्ट ऑर्डर का। तो रिएक्टेंट का जो पावर होगा वन होगा, ठीक है। तो रेट इज इक्वल टू लिखेंगे आप के आर का पावर वन। सपोज हमारा कोई रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट ये है, क्लियर। तो इसका डिफरेंशियल रेट इसको लिखेंगे क्या होगा, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर का पावर वन। इसके मतलब क्या, आर, आर का पावर वन का मतलब आर, क्लियर। अब आप लिख सकते हो डी आर, ठीक है, इस आर को यहां ले आए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। और ये के साथ डी टी को भेज देते हैं, के साथ dt को भेज दिए, r को हम यहां डिवाइड में ले आए, ठीक है। और ये माइनस को हम यहां पे पुट करते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो कि dx 1 by x dx का इंटीग्रेशन आप पर क्या रखे हो, log x, क्या रखे हो, log x होता है, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पढ़े हैं। अगर जो बायोलॉजी वाले देख रहे हैं तो आप इतना जान लो फिलहाल यहाँ पे कि dx का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स होता है, ठीक है। उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हर जगह मिलता है ये x का इंटीग्रेशन, dx का, अगर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसी तरह से 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x। तो यहाँ पे भी वही करने वाले हैं। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, वी गेट, तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी माइनस के डी टी हो जाएगा, समझ रहे हैं। एक स्टेप और लिख देते हैं, डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस के कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं कांस्टेंट को, डी टी का इंटीग्रेशन। अब डी टी का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात यहाँ से आती है कि यहाँ पे जो हम सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, बाद में हम इसको बदलेंगे किसमें, आपका कॉमन लॉग में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको बदलेंगे ln में, जिसका बेस e होता है, कॉमन लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है, ये इतना तो आइडिया है ना आपको बस। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं ln r, ln r, ध्यान दीजिएगा, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, यहां तक क्लियर है। ln r इक्वल टू, इसका देखिए ln होता है नेचुरल लॉग, जब कॉमन लॉग में बदलेंगे तो हम बता देंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप इतना यहां तक आ गए, इस इक्वेशन को मान लो वन, इस इक्वेशन को क्या मान लो, वन मान लो, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ने वाले हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। डी आर का, डी आर बाई वन बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस रिएक्शन को मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एल एन आर को पहले जी लिख देते हैं, एल एन
आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इस इक्वेशन वन हो गया। आप ध्यान देंगे मेरी बात को, मैं जो बोलने जा रहा हूं, जिस तरह से प्रीवियस में कहते एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड, जीरो सेकेंड पे क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट होगा उसको हम लिख सकते हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, टी इक्वल टू जीरो मतलब कि अभी शुरुआत रिएक्शन शुरू नहीं हुआ। चलिए तो ये जैसे ही टी के यहाँ पे जीरो लिखेंगे तो आर बदल जाएगा आर नोट में, तो चलिए एल एन आर, आर नोट कब होगा जब ये टी जीरो होगा। अब आपको क्या मिल गया इससे फायदा क्या, तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, सी का वैल्यू क्या मिल गया आपको एल एन आर नोट, इस सी का वैल्यू ये आया आपको, सी क्या है आपको बाद में पता चलेगा, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट होता है, ग्राफ में जब खींचूंगा तब बताऊंगा। तो एल एन ये सी का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, इस सी का वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी का वैल्यू क्या आया एल एन आर नोट। यहां तक कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल सारा चीज ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको। अब देखिए इस के टी को मैंने यहां लाया तो क्या लिख सकते एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर, आपने पढ़ा है क्या, यहां पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होता है बताइए, लॉग ए माइनस बी, ये लॉग का एप्लीकेशन है, वही एप्लीकेशन कॉमन लॉग हो या फिर नेचुरल लॉग हो दोनों वही एप्लीकेशन यहां भी अप्लाइड होगा, एल एन हो चाहे लॉग, तो इसको हम a बाई बी लिख सकते हैं, तो के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर। अब इस एल एन को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे या k बराबर आप लिख सकते हैं, ध्यान देना k इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर इंटू ऐसा लिख सकते हो वन बाई टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस ln को कन्वर्ट करेंगे कॉमन लॉग में, जब भी कॉमन लॉग में इसको कन्वर्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि ln को कॉमन लॉग में जब l log g में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे क्या करेंगे 2.301 से इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अब ध्यान देंगे क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन, यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं इक्वेशन को, k इज इक्वल टू इसके जगह पे ln के जगह पे क्या रख देंगे, ये रख देंगे, क्या हो जाएगा 2.303, आर नीचे t है 1 बाई टी का मतलब यही हो गया t log हो गया r नॉट बाई, ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। इससे न्यूमेरिकल बनेगा, अभी इससे ग्राफ भी मैं आपको खींच के दिखाऊंगा, दो ग्राफ है, तो ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कैसे आया। अब बात आती है आर नोट क्या है, आर नोट है इनिशियल कंसेंट्रेशन। अब इनिशियल कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो पे इनिशियल कंसेंट्रेशन, और आर क्या है कंसेंट्रेशन एट गिवन टाइम, किसी टाइम पे कंसेंट्रेशन 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड पर, ठीक है, मतलब ये जो कंसेंट्रेशन है घटा हुआ कंसेंट्रेशन, घटा हुआ मतलब रिएक्शन होगा तो घटेगा ही, और ये कंसेंट्रेशन क्या है शुरुआत वाला है, ये दोनों का रेशियो के आगे लॉग लगा हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है 2.303 बाई टी इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, इज इट क्लियर, सारा चीज ट्रांसपेरेंट। चलिए आप इसको कॉपी में नोट कीजिए,
अब मैं आपको ग्राफ खींच के दिखाता हूं इसका, बने रहिए आप चैनल के साथ। कहीं पे फंसने, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला चैप्टर। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा इस चैप्टर में कहीं भी आपको इरिटेट नहीं होइएगा आप चैप्टर से। तो सबसे पहले ग्राफ जो खींचेंगे हम, सबसे पहले खींचेंगे इक्वेशन फर्स्ट को, आप याद कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट साइड हम लिखे थे कुछ ऐसा, एल एन आर माइनस के टी प्लस सी की जगह पे पुट किए थे, याद कीजिएगा, एल एन आर नॉट। ये है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पे ग्राफ आ रहा है, वाई एम एक्स सी। एम क्या है, स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा, सी इज इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ, जहां पे वाई एक्सिस पे ग्राफ कटे कहीं पे कटेगा देखिएगा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, चलिए बना लेते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। अब बताइए कि एक्स एक्सिस पे क्या रखें, टाइम रख देते हैं, वाई एक्सिस पे क्या रख देते हैं, एल एन आर रख देते हैं, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। स्लोप क्या है, निगेटिव है, ये एम के जहां पे जो स्लोप है कितने के बराबर होगा, माइनस के, क्या रहा माइनस के, ग्राफ ऐसा आएगा। जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा होगा यहां से लेके यहां तक का जो ये आएगा ये क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, यहां से लेके यहां तक इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, एल एन आर नॉट इंटरसेप्ट, स्लोप इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस के, क्लियर, कोई तरह का प्रॉब्लम है। तो आप इस ग्राफ को उतार लीजिए, अगर पूछ दिया एल एन आर वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ क्या होगा, इट इज द ग्राफ, क्लियर। चलिए ये तो हम लोग एक ग्राफ खींचे, अब मैं दूसरी ग्राफ खींचने जा रहा हूं, वो ग्राफ किस पे होगा आधारित, एम ग्राफ जो मैं खींचूंगा। सेकेंड ग्राफ देखिए इसका, सेकेंड जो ग्राफ खींचने जा रहा हूं वो ग्राफ है ग्राफ नंबर सेकेंड, वो ग्राफ होगा लॉग आर नॉट बाई आर वर्सेस टाइम, इसके बीच में ग्राफ। इस इक्वेशन को ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, कैसे बना था देखिए, आपको लिखे थे k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस बात को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर इज इक्वल टू k, अब लिख सकते हो लॉग आर नॉट बाई log r नॉट बाई r, log r नॉट बाई r इज इक्वल टू k, ये t को इधर भेज देते हैं, t ये आ जाएगा कहां पे, नीचे में, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लिख सकते हैं इसको क्या, ध्यान देंगे आप, ध्यान देने वाली बात, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे हम ऐसी तरह से लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट तो c की जगह पे क्या गायब हो चुका है, नहीं है, लेकिन m हमारे पास तो है, m क्या है, m है आपका ये वाला पार्ट, m क्या है, ये है, m हो गया ये वाला पार्ट। एक्स एक्सिस पे अब क्या देखें हम, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे क्या लिखें,
log r naught by r, m पॉजिटिव, m बराबर स्लोप इज इक्वल टू k by 2.303. ग्राफ विल बी दिस. ठीक है, ग्राफ ऐसा. तो यहां पे इंटरसेप्ट तो कुछ आपको नहीं मिला. इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट यहां पे कुछ भी नहीं है. m क्या है? m हो गया स्लोप इज इक्वल टू k बाई 2.303. कभी कभी डायरेक्ट स्लोप निकालने बोल देगा, तो स्लोप के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, स्लोप के लिए ये फॉर्मूला करेंगे. यही क्या है हमारा tan थीटा. m इक्वल टू स्लोप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ है. स्लोप क्या है? कभी ऑप्शन में रह सकता है. फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप क्या है? ठीक है, एंगल क्या है? थीटा क्या है? tan थीटा क्या है? तो ये है k by 2.303. स्टेप्स इस इक्वेशन पे भी आता है क्वेश्चंस. ऐसा इक्वेशन पे क्वेश्चन आएगा ऐसा. आजकल ऐसा करने लगा. अच्छा, साधारण क्वेश्चन नहीं देता. कुछ ध्यान नहीं, कुछ अपना भी लॉजिक लगाना पड़ता है, कुछ अपना भी दिमाग लगा के ही बैठना पड़ता है. तो यहां तक क्लियर हो गया आपका. ये था किसकी कहानी, फर्स्ट ऑर्डर. अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं. ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं. आप बने रहिए. आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. आप इस पे हम जो न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहे हैं, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है. कहता है कि सो डैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ये कहता है, ये हमको दिखाना है. सो डैट करना, एक तरह से प्रूफ करना. क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बताना है आपको कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा हो वो कितने के बराबर होना चाहिए. जितना टाइम 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में लग रहा उसका दुगना. ठीक है, क्या ना, मतलब कि टी 99% बराबर प्रूफ करना है 2 × t 90%. ये प्रूफ करके हमको देना. तो चलिए, हम कह रहा है सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, यहां पे एंसन करना हो ऐसे लिख देते, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सबसे पहले फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो डैट. तो बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम का आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा. तो देखिए, हम लोग जानते हैं, जस्ट आपको लिख के दिए हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई के बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर. ये t को यहाँ भेज देते हैं, k को यहाँ ले आते हैं. तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर. पहला केस में क्या कह रहा है कि 99% रिएक्शन खत्म होने में, अगर कोई भी रिएक्शन हमारा 99% खत्म हो रहा है तो इनिशियल कितना होगा, 100 होगा. इनिशियल कितना होगा, 100 होगा. 99% खत्म हो चुका है. ध्यान दीजिए, यहां पे k हो जाएगा log r नॉट, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन शुरू में कितना है, 100 होगा. परसेंटेज की बात है, 99% कंप्लीट हो गया तो बचा होगा कितना, ये वाला रिएक्टेंट क्या है, बचा हुआ. जितना टाइम पे बचा हुआ हो, 99% खत्म तो बचा कितना, 1%. तो यहाँ पे लिखिएगा 1. इसके मतलब क्या आ गया, 2.303 बाई के log का ऊपर लिखिएगा 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, 1 छोड़ दीजिए. अब एक चीज पढ़े होंगे कि log a का पावर x इक्वल टू x log a. तो ये है log a का पावर x. तो लिख सकते हैं 2.303 बाई के इंटू 2 log 10. log 10 का वैल्यू क्या पढ़ के रखे हम लोग, 1. log 10 का वैल्यू 1, यानी कि 2.303 बाई के
इंटू टू हो जाएगा इज इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाई के। ये मान लीजिए इक्वेशन वन क्या हुआ, इक्वेशन वन 99% वाला के लिए निकल गया टाइम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितने के लिए ऑपरेट कर रहे थे, टी 99 के लिए, टी 99 के लिए ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, अब निकालेंगे टी 90 के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, बस इतना पहले आप नोट कीजिए। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली टी 90 के लिए क्या हो जाएगा, सिमिलरली टी 90 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। तो टी इज इक्वल टू 2.3, यहाँ पे लिख दिया टी 90 के इक्वल टू लॉग 90% खत्म हुआ, शुरू में कितना होगा 100 होगा, 90 खत्म हुआ 10 बचा होगा, क्या हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 10। लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, लॉग 10 इक्वल टू 1। लॉग 10 की जब आप 1 बैठाए तो क्या बचेगा 2.303 बाई के हो जाएगा, यहाँ 1, इसके मतलब इक्वेशन सेकंड हो गई। अब डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड वी गेट, कंपेयर कर देंगे। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर दीजिए या कंपेयर बोलिए, डिवाइड बोलिए, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या आया था, टी 99 क्या आया था, टी 99 आपका आया था 4.606 बाई के, इक्वेशन फर्स्ट था ये। टी 90 क्या आया था 2.303 बाई के, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट बाई सेकंड टी 99 डिवाइडेड बाई टी 90 इज इक्वल टू 4.606 डिवाइडेड बाई के, इसको डिवाइड करेंगे 2.303 बाई के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये के कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, 4.606 बच गया 2.303, के तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना, इसको डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 2 आ चुका है। अब ध्यान दीजिए जो बेसिक बात, तो टी 99 बाई टी 90 इज इक्वल टू क्या है, 2 आया, तो टी 99 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी 90, ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। तो आज मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शंस एग्जाम्पल बताया, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाया बताया, उस पर आधारित मैंने आपको उसके ग्राफ बताया और उससे आधारित एक न्यूमेरिकल्स मैंने आपके सामने रखा। आई थिंक आपको सारी बात क्लियरली ट्रांसपेरेंटली समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी बात समझ में आएगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।